अलवर शहर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ एडीएम बीना महावर और सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने किया। बच्चों ने मन्नी का बर्ड सरकारी स्कूल में कृमि की गोलियां खिला गई और इस मौके पर सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत आज 10 अगस्त से शुरू की गई है और मॉप अप राउंड दिवस 17 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को 400 mg की गोली को आधी कर चम्मच में पानी के साथ मिलाकर देंगे। वहीं 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को पूरी गोली पानी के साथ चूर कर दी जाएगी। 3 से 19 वर्ष तक के बच्चों को पूरी गोली चबाकर पानी के साथ खुराक से कृमि नियंत्रण किया जाएगा। अभियान के दौरान शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से 100% बच्चों को कवर किया जाएगा। राष्ट्रीय कृमि दिवस एनडीडी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में तथा शिक्षकों द्वारा समस्त विद्यालयों में उच्च शिक्षण संस्थाओं तकनीकी संस्थाओं मदरसों के माध्यम से 1 से 19 वर्ष के बच्चों एवं किशोरी किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई जाएगी। वहीं आज के आयोजन में मुख्य दिन यदि निर्धारित आयु में कोई बच्चा छूट जाता है तो 17 अगस्त मां कप दिवस मनाते हुए इसे शामिल किया जाएगा। चिकित्सा विभाग के पूरे प्रयास होंगे कि एक भी बच्चा एल्बेंडाजोल की खुराक से ना छूटे। आंगनवाड़ी केंद्रों 1 से 5 वर्ष तक बच्चों और विद्यालय नहीं जाने वाले 6 से 19 वर्ष तक के बच्चों को यह खुराक दी जानी है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है, उसके जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मन्नी के बर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया और इसमें 6 to 19 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको आज एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स खिलाई गई, जिससे कि बच्चे जो है वो कृमि मुक्त हो सके। और आपके माध्यम से मैं और भी जो पेरेंट्स या अभिभावक हैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि अपने 6 साल से 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको ये टैबलेट्स का सेवन कराएं। इससे छोटे वाले बच्चों के लिए जो सीरप आती है वो उनको आज के दिन जो है वो उसको पिलाएं, जिससे कि उनके बच्चे जो है वो एनीमिया और जो माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारियां जो कृमि के कारण डेवलप होती है उससे वो बच सके। मैंने अक्सर देखा है कि कोचिंगों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके पास ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही है जबकि वो 19 साल तक के हैं। वो बात ठीक है, ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है वो भारत सरकार का सरकारी विद्यालय सरकारी संस्थानों के लिए, इसमें सभी जो सरकारी जो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं और सरकारी विद्यालय हैं उस पर इस प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। कोचिंग सेंटर्स प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनके लिए कोई इसमें प्रावधान नहीं है, अपने स्तर पर वो उसमें करा सकते हैं। देखिए आज जिला स्तरीय राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम अपन यहाँ कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि एल्बेंडाजोल नामक दवाइयाँ खिलाई जाती हैं बच्चे को और यह गोली चबा करके लेनी होती है खाना खाने के बाद। 1 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को ये दी जानी है। इससे क्या होता है कि अपने यहाँ पर एनीमिया जो है खून की कमी जिसको बोलते हैं वो काफी मात्रा में पाया जाता है बच्चों में, तो उसका मुख्य कारण कृमि का इन्फेक्शन होना है। तो यह जो दवा है वह है कृमि का एक ही डोज में पूर्ण रूप से उसकी बॉडी से उसको खत्म कर देती है और वह जो कृमि है पूरे शरीर में मल के द्वारा बाहर आ जाता है और बच्चा कृमि मुक्त हो जाता है, तो बच्चे को खून की कमी नहीं रहती है जिससे कि वह उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से होता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह होता है। तो प्रत्येक वर्ष यह प्रोग्राम किया जाता है और सभी बच्चों को जो भी जिनकी भी उम्र 1 से 19 वर्ष है यह दवा लेनी आवश्यक रूप से लेनी चाहिए।